टॉप 4 बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन्स एंड एट 20,000 रुपीज। तो दोस्तों, अगर आप आज के समय पर एक बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं, साथ में आपको 5G का सपोर्ट, दमदार स्पेसिफिकेशन, पावरफुल परफॉर्मेंस चाहिए, तो दोस्तों आज की वीडियो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं इस लिस्ट को और बात करते हैं सबसे पहले उन यूजर्स की जिन्हें एक स्टाइलिश डिजाइन चाहिए, अच्छे कैमरास और अच्छी परफॉर्मेंस वगैरह चाहिए, या फिर यूं कहें कि जिन्हें एक अच्छा खासा ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेना है। तो आप यहां पर देख सकते हैं पोको की तरफ से आने वाला पोको का X6 5G। बात करें इस फोन की दोस्तों, तो ये स्मार्टफोन आपको कंप्लीट प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है, बट बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है और डिजाइन भी आप यहां पर देख सकते हैं। वैसे ये फोन 8mm की थिकनेस और 181 ग्राम्स के साथ में आता है, सो काफी लाइट वेट और काफी स्लिम भी है, तो इन हैंड फीलिंग में भी फोन काफी अच्छा रहता है। वैसे आपको बता दूं कि आपके यहाँ पर IP54 की रेटिंग भी मिल जाएगी, तो हल्के फुल्के वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन भी आपको मिल जाएगा। सो ओवरऑल फोन की बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन में आपको यहाँ पर कोई इशू नहीं आते। बात करें डिस्प्ले की, तो फोन के अंदर लगी हुई है 6.67 इंचेस की 1.5K रिजोल्यूशन की 12-bit की सुपर एमोलेड पैनल, साथ ही में डॉल्बी विजन का सपोर्ट आपको मिलेगा, 1800 यूनिट्स तक की पीक ब्राइटनेस का आपको सपोर्ट मिल जाएगा, HDR10+, वाइडबैंड L1 और साथ ही साथ 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 480 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट आपको मिलेगी, और साथ ही साथ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस का प्रोटेक्शन आपको मिलता है। सो इस प्राइस पॉइंट के अंदर आपको जो भी बेस्ट स्पेसिफिकेशन दी जा सकती थी वो इसके डिस्प्ले में आपको मिल जाती है, तो डिस्प्ले आपको डेफिनेटली काफी अच्छा मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरास मिलेंगे। मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का जो कि F1.79 अपर्चर के साथ में आता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर एक मैक्रो सेंसर दिया गया। अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पर OIS का फीचर भी देखने को मिलेगा, और साथ ही अगर हम बात करें सेल्फी कैमरा की, तो यहाँ पर आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर। अच्छी बात यह है दोस्तों कि डे लाइट में फोटोज वगैरह अच्छी आती हैं, जिसे आप अब वो एवरेज या फिर डिसेंट कह सकते हैं, और साथ ही आपको यहाँ पर काफी डिफरेंट मोड्स वगैरह भी दिए गए हैं। हालांकि देखा जाए तो अभी भी यहाँ पर थोड़ी सी सुधार की जरूरत है। रही बात वीडियो आउटपुट की, तो बैक कैमरा से आप यहाँ पर 4K तक की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30fps, और फ्रंट कैमरा से आपको यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन मिल जाएगा अप टू 60fps। चलिए अब बात कर लेते हैं फोन की परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों इस फोन के अंदर आपको एक लेटेस्ट चिपसेट देखने को मिल जाता है, 4nm बेस स्नैपड्रैगन 7s जेन 2, और इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर एड्रेनो 710 का GPU भी देखने को मिलेगा। रही बात अंतुतु की, तो गाइस ये स्मार्टफोन अंतुतु पर लगभग 6,10,000 के आसपास स्कोर करता है, सो प्राइस पॉइंट के अंदर डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस निकाल कर देता है। और हाँ गाइस, यहाँ पर आप मीडियम से लेकर के हाई लेवल की सेटिंग पे गेमिंग कर सकते हैं। इन सभी के अलावा LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज भी आपको मिल जाएगा, सो परफॉर्मेंस के मामले में फोन डेफिनेटली काफी अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अब यहाँ पर फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में 5100mAh की बैटरी आपको मिलेगी, जो कि 67W की चार्जिंग को सपोर्ट करती है। चार्जर बॉक्स के अंदर और चार्जिंग के लिए आपको टाइप सी वाली पोर्ट भी मिलेगी, और देखा जाए तो आपको यहाँ पर मीडियम यूजिंग पर एक दिन का बैकअप भी आराम से मिलेगा। रही बात स्मार्टफोन के कुछ अदर फीचर्स की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको मिलता है अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक दिया गया, तो ये अच्छी बात है। साथ ही ड्यूल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट भी आपको मिलेगा, और यहाँ पर आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट दिया गया है, तो ऑडियो क्वालिटी डेफिनेटली काफी अच्छी रहती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको कोई भी कार्ड ऑप्शन देखने को नहीं मिलेंगे, आप यहाँ पर सिर्फ एक साथ में 2 5G सिम ही लगा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यूजर इंटरफेस की। तो ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 13 पर लॉन्च किया गया, जहां पर आपको मिलता है MIUI 14। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पर 3 साल के मेजर अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी पैचेस देखने को मिलने वाले, तो ये काफी कमाल की बात है। रही बात 5G बैंड्स की, तो ये स्मार्टफोन अप टू 10 5G बैंड को सपोर्ट करता है, और हाँ दोस्तों यहाँ पर आपको MIUI डायलर दिया गया है, तो आप यहाँ पर आसानी से किसी की कॉल भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो ये भी अच्छी बात है। चलिए बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। तो 8GB रैम 256GB स्टोरेज के लिए आपको देने होंगे ₹21,999, बट अगर आप बैंक ऑफर्स लगाते हैं दोस्तों, तो ये स्मार्टफोन 20,000 रुपीस की अंदर की प्राइस पर आपको मिल जाएगा, और इस प्राइस पॉइंट के अंदर डेफिनेटली दोस्तों काफी कमाल का ऑप्शन है। बढ़ते हैं लिस्ट के अगले फोन की तरफ, और ये स्मार्टफोन इस प्राइस पॉइंट के अंदर आने वाला एक काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी फोन है, और स्मार्टफोन का नाम है यहाँ पर मोटो एज 14 नियो। बात करें बिल्ड क्वालिटी, तो आपको यहाँ पर पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर ही मिलने वाला है, हालांकि आपको यहाँ पर EMMA मटेरियल देखने को मिलता है, जो कि प्लास्टिक से थोड़ा सा बेटर होता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक स्मार्टफोन वीगन लेदर पर भी देखने को मिल जाएगा, तो ये काफी अच्छी बात है। इन सभी के अलावा 7.9mm की थिकनेस और 170 ग्राम्स के साथ में फोन आता है, तो काफी लाइट वेट और काफी स्लिम है। और सबसे अच्छी बात दोस्तों, ये स्मार्टफोन IP68 रेटिंग के साथ में आता है, तो डस्ट और वाटर प्रोटेक्शन है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं फोन के डिस्प्ले की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.5 इंचेस की फुल HD+ वाली 10-bit की प्लास्टिक OLED पैनल, तो भाई साफ है कि डिस्प्ले क्वालिटी तो धमाकेदार है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन,
1300 की पीक ब्राइटनेस यानी इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी में भी कोई शिकायत नहीं आने वाली है। साथ ही साथ HDR 10+ का सर्टिफिकेशन, वाइड बैंड L1 का सर्टिफिकेशन और गेमिंग के लिए 144 हर्ट्ज तक की रिफ्रेश रेट और 360 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट मिलती है। तो भाई प्राइस पॉइंट के अंदर देखेंगे तो डिस्प्ले क्वालिटी आपको यहाँ पर टॉप नॉच मिलती है। तो चलिए अब बात करते हैं फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर दो कैमरास मिल जाएंगे। मेन कैमरा लगा है 50 मेगापिक्सल का जो कि ओमनी विजन की तरफ से आता है, साथ ही f1.8 का अपर्चर भी है। इसके अलावा आपको यहाँ पर OIS का फीचर भी देखने को मिलेगा और साथ ही साथ 13 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर एक अल्ट्रा वाइड कम मैक्रो कम डेप्थ कैमरा भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। सो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर आपको कंप्लीट सेटअप देखने को मिलेगा। रही बात फ्रंट कैमरा की तो यहाँ पर आपको मिलता है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। रही बात इमेज आउटपुट की तो भाई डे लाइट में तो आपको यहाँ पर कहीं भी कोई शिकायत नहीं आने वाली, डे लाइट फोटोग्राफी बहुत ही कमाल की है। लेकिन लो लाइट की बात करें तो आपको यहाँ पर थोड़ी सी डिसेंट इमेजेस ही देखने को मिलेंगे। वीडियो आउटपुट की बात करें तो गाइस आप यहाँ पर फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से 4K तक की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं चिपसेट की। तो आपको यहाँ पर मिलता है 6 NM बेस MediaTek Dimensity 7030 का 5G चिपसेट और गाइस ये फोन ऑन द टू पर लगभग 530,000 के आसपास स्कोर कर जाता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर आम माली G610 MC3 का GPU दिया गया जो कि आपको प्राइस पॉइंट के अंदर काफी अच्छी गेमिंग भी कराने में कैपेबल है। इन सभी के अलावा आपको यहाँ पर LPDDR4S की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज भी देखने को मिल जाता है। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस फोन की यहाँ पर अच्छी रहती है, उसमें भी आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती। तो चलिए भाई बात कर लेते फोन के पेट की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी, 68W की चार्जिंग का सपोर्ट, चार्जर बॉक्स के अंदर और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिल जाती है। वैसे अगर देखा जाए तो आपको यहाँ पर एक दिन से ज्यादा का बैकअप बहुत आराम से देखने को मिलेगा, तो ये अच्छी बात है। रही बात कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलता है एक अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर, साथ ही आपको यहाँ पर ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए जिनकी ऑडियो क्वालिटी दोस्तों बहुत ही ज्यादा कमाल की है। वैसे आपको बता दूं कि आपको यहाँ पर 3.5mm का जैक नहीं मिलेगा और यहाँ पर आपको कोई भी कार्ड ऑप्शन नहीं दिए गए, हालांकि आप यहाँ पर एक साथ में दो 5G सिम इस्तेमाल कर सकते हैं। और यूजर इंटरफेस की बात करें तो ये फोन एंड्रॉइड 13 पर लॉन्च किया गया है जहां पर आपको 2 साल के मेजर अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ ये फोन अप टू 14 5G बैंड को सपोर्ट भी करता है, सो काफी फ्यूचरिस्टिक है। सो कहीं ना कहीं अगर आप इस प्राइस पॉइंट के अंदर मोटोरोला की तरफ से एक ऑलराउंडर टाइप का पैकेज ढूंढ रहे हैं तो आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। बात कर ले प्राइसिंग की तो दोस्तों इस समय 8 और 128 के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 20,999 रुपए। तो सभी के पर हमने रखा हुआ है वीवो की तरफ से वीवो का T3 5G। बात की जाए फोन की तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि लुक और डिजाइन दोनों ही फोन का काफी कमाल का दिया गया है और साथ ही साथ आपको यहां पर प्लास्टिक की फ्रेम, प्लास्टिक का मटेरियल देखने को मिलेगा। इन सभी के अलावा 7.8mm की थिकनेस और 184 ग्राम्स के साथ में आता है, तो काफी लाइटवेट और काफी स्लिम है। और वैसे आपको IP54 की रेटिंग भी मिल जाती है, तो वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन भी आपको दिया गया है। सो ओवरऑल देखेंगे तो बिल्ड क्वालिटी आपको यहां पर काफी स्ट्रांग दी गई है। चलिए बढ़ते आगे और बात करते हैं फोन की डिस्प्ले की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.67 इंचेस की फुल HD+ वाली AMOLED पैनल, 1800 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस भी है, तो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की कोई शिकायत नहीं आने वाली। साथ ही साथ HDR और वाइड बैंड L1 का सपोर्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो कंटेंट वगैरह स्ट्रीम करने में भी आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और इन सभी के अलावा 120 हर्ट्ज तक की हायर रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट भी मिलेगी। सो ओवरऑल देखेंगे तो डिस्प्ले क्वालिटी भी यहाँ पर आपको काफी अच्छी दी गई है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि यहाँ पर आपको ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स भी मिल जाते हैं, तो कंटेंट वॉचिंग के लिए फोन तो डेफिनेटली काफी अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर दो कैमरास मिलते हैं, मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का जो कि f1.8 अपर्चर के साथ में आता है, साथ ही में 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर एक डेप्थ सेंसर दिया गया। हालांकि तीसरा सेंसर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा लेकिन वो कोई कैमरा सेंसर नहीं बल्कि एक फ्लिकर सेंसर है जो कि सीन के अकॉर्डिंग आपके कैमरा की सेटिंग को ऑप्टिमाइज करता है। वहीं पर फ्रंट की बात कर ले तो फ्रंट में आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। सो कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर अच्छा है। रही बात इमेज आउटपुट की तो इमेज आउटपुट भी आपको काफी कमाल के मिल जाते हैं, डे लाइट और लो लाइट में फोटोज अच्छी निकल कर आती हैं। साथ ही आपको काफी डिफरेंट मोड्स भी दिए गए और तो और इस फोन के अंदर पोर्ट्रेट मोड्स के लिए आपको डिफरेंट ऑप्शन भी देखने को मिलेंगे। रही बात यहाँ पर वीडियो आउटपुट की तो बैक कैमरा से आप यहाँ पर 4K तक की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS जो कि काफी अच्छी बात है। और जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर आपको OIS का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। रही बात फ्रंट की तो फ्रंट से आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS। तो देखा जाए तो कैमरा क्वालिटी भी फोन की काफी अच्छी है, तो यहाँ पर भी आपको कोई शिकायत नहीं आने वाली। अब बात करते हैं फोन की परफॉर्मेंस की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है 4 NM बेस MediaTek Dimensity 7200 का चिपसेट और देखा जाए दोस्तों तो ये स्मार्टफोन ऑन पर लगभग 7,20,000 के आसपास स्कोर करता है और इस प्राइस पॉइंट के अंदर डेफिनेटली काफी ज्यादा पावरफुल है। गेमिंग के लिए आपको मिलता है आम वाले G610 MC4 का GPU जो कि आपको काफी अच्छी गेमिंग भी कराने में कैपेबल है। साथ ही साथ LPDDR4X रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज भी आपको मिल जाता है। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कहीं भी कोई शिकायत नहीं आने वाली।
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में 5000 mAh की बैटरी और 44 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया चार्जर बॉक्स के अंदर। चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी आपको मिल जाती है। तो देखा जाए तो यहाँ पर आपको एक से डेढ़ दिन का बैकअप काफी आराम से मिल सकता है अगर आप एक नॉर्मल यूजर हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ एडवांस फीचर्स की। तो यहाँ पर आपको मिलता है एक अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर, साथ ही ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स हैं और आपको यहाँ पर हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है। तो आप यहाँ पर एक साथ में दो 5G सिम या फिर एक 5G सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। और हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 पर आता है जहाँ पर आपको मिलता है फन टच ओएस 14 और यहाँ पर आपको 2 साल के मेजर अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। रही बात 5G बैंड की, तो ये स्मार्टफोन अप टू 8 5G बैंड को सपोर्ट करता है, तो यहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन याद रखिएगा कि आपको यहाँ पर 3.5mm का जैक नहीं दिया गया है। सो देखा जाए तो कंप्लीट ऑलराउंडर फोन है। अगर आप चाहें तो स्मार्टफोन की तरफ देख सकते हैं। बात करें प्राइसिंग की, तो 8GB रैम 128GB स्टोरेज के लिए आपको देने होंगे 19,999 रुपए। बट जैसा कि दोस्तों स्मार्टफोन पर अभी ऑफर्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं, तो अगर आप यहाँ पर SBI बैंक के क्रेडिट या डेबिट कार्ड से स्मार्टफोन को परचेस करते हैं तो आपको यहाँ पर 2000 रुपए तक का ऑफ मिल जाएगा और इफेक्टिवली ये स्मार्टफोन आप परचेस कर पाएंगे 17,999 रुपए की कीमत पर। और इस प्राइस पॉइंट के अंदर देखेंगे तो काफी अच्छा ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं लिस्ट के अगले फोन की। और दोस्तों यहाँ पर हमने रखा हुआ है Realme का Narzo 70 Pro। जी हाँ दोस्तों, अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है। और बात करें फोन की, लेकिन अगर आप डिजाइन देखेंगे तो काफी यूनिक और काफी अच्छा देखने को मिलता है। साथ ही साथ IP54 की रेटिंग आपको मिल जाती है, तो हल्के फुल्के वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन आपको मिल जाएगा। इन सभी के अलावा 8mm की थिकनेस और 195 ग्राम्स का है, तो काफी लाइट वेट और काफी स्लिम भी है। सो ओवरऑल इन हैंड में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आती। अब बात करते हैं फोन की डिस्प्ले की। इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.67 इंचेस की एक फुल HD प्लस वाली AMOLED पैनल, जो कि 2000 nits तक की पीक ब्राइटनेस के साथ में आती है। तो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की तो आपको यहाँ पर कोई भी शिकायत नहीं आने वाली है। इनसे भी के अलावा HDR 10 प्लस का सर्टिफिकेशन, वाइट वाइन एल्बन का सर्टिफिकेशन भी आपको मिल जाता है, तो कंटेंट वॉचिंग के लिए भी आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। गेमिंग के लिए 120 Hz तक की रिफ्रेश रेट दी गई है और 240 Hz की आपको यहाँ पर टच सैंपलिंग रेट मिल जाती है। सो ओवरऑल देखेंगे तो प्राइस पॉइंट के अंदर डिस्प्ले क्वालिटी आपको यहाँ पर अच्छी मिलती है। कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 3 कैमरास मिलते हैं। मेन कैमरा लगा हुआ 50 मेगापिक्सल का, जो कि दोस्तों OIS के सपोर्ट के साथ में आता है और ये है सोनी का IMX890 वाला सेंसर। जी हाँ दोस्तों, ये एक फ्लैगशिप सेंसर है। और साथ ही साथ सबसे अच्छी बात, आपको यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड लेंस भी मिल जाता है और यहाँ पर आपको 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो सेंसर मिल जाता है। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का देखा जाए तो अच्छा है। और रही बात इमेज आउटपुट की, तो दोस्तों डे लाइट के साथ साथ लो लाइट में भी फोटोज यहाँ पर काफी कमाल की निकल कर आती है। फोटोज की क्वालिटी काफी अच्छी रहती है, तो यहाँ पर आपको कोई शिकायत नहीं आने वाली। और हाँ, अगर हम बात करें वीडियो रिकॉर्डिंग की, आप यहाँ पर बैक कैमरा से 4K तक की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS, तो ये भी अच्छी बात है। ओवरऑल देखा जाए तो फोन का कैमरा काफी कमाल का परफॉर्म करता है। अब बात करते हैं फोन के परफॉर्मेंस की, तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है 6nm बेस MediaTek Dimensity 7050 का चिपसेट, जो कि AnTuTu पर लगभग 5.5 से 6 लाख के आसपास स्कोर कर जाता है। सो देखा जाए तो प्राइस पॉइंट के अंदर काफी अच्छे स्कोर है। और गेमिंग के लिए आपको दिया गया है आम वाले G68MC4 का 4 कोर का GPU, जो कि इस प्राइस पॉइंट के अंदर आपको अच्छी खासी गेमिंग भी करा देता है। इन सभी के अलावा LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज आपको मिल जाता है। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं आती। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में 5000 mAh की बैटरी और 67 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट आपको मिलता है चार्जर बॉक्स के अंदर, और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी आपको मिल जाती है। इन सभी के अलावा अगर हम बात करें कुछ एडवांस फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको मिलता है एक अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर, जो कि काफी फास्ट और एक्यूरेटली काम भी करता है। इन सभी के अलावा 3.5mm का जैक दिया गया है, जो कि काफी अच्छी बात है। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स भी मिल जाते हैं, जहाँ पर डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट आपको मिल जाता है, तो ऑडियो क्वालिटी भी फोन की काफी अच्छी है। लेकिन कार्ड ऑप्शन की बात करें तो आपको यहाँ पर कोई कार्ड ऑप्शन नहीं मिलेंगे, आप यहाँ पर एक साथ में सिर्फ और सिर्फ 2 5G सिम ही लगा सकते हैं। यूजर इंटरफेस की बात करें तो ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 14 बेस Realme के UI 5.0 पर लॉन्च किया गया है। हालांकि अब भी कुछ ब्लॉक ट्रेस वगैरह आपको मिल जाते हैं, लेकिन आप उन्हें अनइंस्टॉल कर सकते हैं। और तो और दोस्तों, Realme ने यह भी कंफर्म किया है कि आपको यहां पर 2 साल के मेजर अपडेट और 3 साल तक के सिक्योरिटी पैचेस का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। रही बात 5G बैंड्स की, तो ये स्मार्टफोन अप टू 9 5G बैंड को सपोर्ट करता है, तो यहां पर भी आपको कोई इशू नहीं आने वाले। तो चलिए बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। तो 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के लिए आपको देने होंगे 19,999 रुपए। सो देखा जाए तो प्राइस पॉइंट के अंदर काफी अच्छा कैमरा सेंट्रिक फोन है, अगर आप चाहें तो इसे भी देख सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएंगे, तो चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। और इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं ऐसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।